अक्षय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही ये भी आता है कि सिंगुलर से यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ रूल इसके पहले मैं आपको बता दिया था, अब उसके आगे रूल मैं जो बचा हुआ है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप जो मतलब एक वीडियो या दो वीडियो मैं इस पे आपको इसके पहले बनाया हूँ, तो जितना रूल बताया था उसके आगे का रूल है, ठीक है। तो आज देखिए इसमें का पहला रूल है आज का कि निम्नलिखित नाउंस का प्रयोग सदैव प्लूरल में किया जाता है। यानी कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं कि जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में ही होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे सीजर्स है, देखिए इसका स्पेलिंग होता है SCIJSOR, सीजर्स माने कैची होता है, ठीक है। तो ए इसका जो प्रयोग है वह सदैव किसमें होगा, मतलब प्लूरल में ही होता है। देखिए स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है, चश्मा होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ट्राउजर्स है, पाजामा होता है, मतलब ये सब ऐसे नाम है कि जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल में ही किया जाता है, सिंगुलर में, ठीक है। अब देखिए अगला थैंक्स है, PHANKS, थैंक्स माने क्या होता है, धन्यवाद। अब देखिए अगला है जैसे रिचेज है, RICHES, रिचेज माने क्या होता है, धन होता है। तो ये कुछ नाम्स ऐसे थे जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, सदैव प्लूरल नंबर में करते हैं। अब देखिए अगला नियम है, अगला रूल है कुछ कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम का मतलब क्या होता है, जैसे जो पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी कि जिसको हम नाम तौर सकते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउंस का रूप सिंगुलर होता है किंतु उनका प्रयोग प्लूरल में होता है, ठीक है। यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं कि जो देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन जैसा दिखते हैं, लेकिन वो होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल, CATT, यानी कैटल क्या होता है, मवेशी यानी कि पशु, ठीक है। अब देखिए पुलिस है, पुलिस से क्या है, देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन है क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। जैसे मैनकाइंड है, मानव जाति, ठीक है, मैनकाइंड में क्या होता है, मानव जाति, यहाँ पे पीपल माने लोग होता है, ये भी प्लूरल है, PEOPL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जेंटल, जेंटल माने क्या होता है, सज्जन होता है, ठीक। अब देखिए तो इस तरह से आज आपने आपको मैंने दो रूल बताया, यानी कि जो कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल में होते हैं, और दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं कि जो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन मतलब वो लिखा हुआ सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, प्लूरल होते हैं। तो अब इसी के डिपेंड मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क को आप लिख के उसके आंसर ग्रुप में सेव करिएगा। देखिए लिखा है प्लूरल नंबर ऑफ फॉलोइंग नाउन, यानी कि गिव प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यानी कि जो नीचे दिए गए नाउन्स हैं उनका आपको क्या करना है, प्लूरल नंबर उनको आपको लिखना है। जैसे पहले बॉय, बॉय माने लड़का होता है, गर्ल माने लड़की होती है, कैट माने बिल्ली, डेस्क माने नेस्ट, ठीक है, फॉक्स माने लोमड़ी, बेबी माने बच्चा, मंकी माने बंदर, नाइट माने चाकू, फुट मीन्स पैर, माइंड मीन्स आदमी, रूप मीन्स छत्र, माउस माने चूहा, गुड माने चीज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन नामों को आपको दिया है, आप इन्हें क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग होमवर्क करिएगा, वीडियो देखने के